नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन जॉब लाइन पर। और दोस्तों, रीट भर्ती 2019 को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ रही है कि आपके रीट भर्ती 2019 का जो नोटिफिकेशन है वह आपके अगस्त के अंतिम सप्ताह में जारी किया जाएगा और सितंबर के प्रथम सप्ताह में आपके जो ऑनलाइन आवेदन है इसके वो आपके स्टार्ट हो जाएंगे। साथ ही दूसरी बड़ी खबर है आपके कि इस बार आपके रीट भर्ती का आयोजन न करवाकर आरटेट 2019 का आयोजन करवाया जाएगा और इस बार आपके जो आरटेट भर्ती परीक्षा है वह केवल आपके एक पात्रता परीक्षा होगी। थर्ड ग्रेड टीचर बनने के लिए आपको एक अलग से एग्जाम करवाया जाएगा जो आपके आरपीएससी के माध्यम से करवाया जा सकता है। और थर्ड ग्रेड टीचर एग्जाम में आपके राजस्थान जीके को अधिक प्राथमिकता दी जाएगी ताकि राजस्थान के विद्यार्थियों को ही अधिक फायदा हो सके। तो ऑफिशियल न्यूज पर चलने से पहले दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो घंटी का आइकन है उसे आप जरूर दबा लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की अपडेट्स टाइम टू टाइम प्राप्त होती रहे। इसके अलावा दोस्तों, हमने रीट भर्ती 2019 के लिए स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको हमारी प्रत्येक अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों, रीट भर्ती 2019 को लेकर रोज कोई ना कोई न्यूज़ प्रकाशित हो रही है और आज भी यह न्यूज़ प्रकाशित हुई है कि हर साल नहीं हो रही शिक्षक पात्रता परीक्षा। सन 2011 में शिक्षक पात्रता परीक्षा को आरटेट के नाम से शुरू किया गया और एनसीटी के नियमों के अनुसार इस परीक्षा को हर साल करवाने का फैसला लिया गया। इसके बाद वर्ष 2011-12 में ये परीक्षा नियमित रूप से हुई, लेकिन इसके बाद से ये परीक्षा महज दो बार ही हुई है तथा इसकी सबसे बड़ी वजह यह रही कि इस पात्रता परीक्षा का विवादों में फंसना। सन 2012 के बाद ये पात्रता परीक्षा सुप्रीम कोर्ट में अटक गई। इसके बाद इसका नाम बदलकर रीट कर दिया गया और उसके बाद वर्ष 2014 और 2017 में महज दो बार ही परीक्षा का आयोजन हो सका। इसको लेकर अब प्रदेश भर के बेरोजगार मांग कर रहे हैं कि शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन हर साल किया जाएगा। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ अध्यक्ष उपेन यादव ने मांग करते हुए कहा है कि पात्रता परीक्षा अब हर साल करवाई जाए। तो दोस्तों, ये खबर आज के न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुई है। वहीं दोस्तों, कल के न्यूज़पेपर में भी रीट भर्ती 2019 को लेकर महत्वपूर्ण न्यूज़ आई थी कि रीट के बाद एक और परीक्षा की मांग, शिक्षक भर्ती के लिए अलग से आरपीएससी के माध्यम से परीक्षा आयोजित करवाने की भी युवा मांग कर रहे हैं। और कई जिलों के युवाओं का कहना है कि पहले की तरह 60% राजस्थान का सामान्य ज्ञान इसमें जोड़ा जाए और उसकी प्रदेश स्तर पर मेरिट जारी की जाए। पात्रता परीक्षा में भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग, विधवा महिलाओं को छूट का प्रावधान भी लंबित है। साथ ही यहाँ पे दिया हुआ है कि इसलिए होनी चाहिए हर साल रीट की परीक्षा। हर साल औसतन 80,000 से अधिक विद्यार्थी बीएड व बीएसटीसी अंतिम वर्ष की परीक्षा पास कर शिक्षक बनने की कतार में होते हैं। इनमें से अधिकतर रीट के पेपर के पैटर्न के बारे में उनको जानकारी नहीं होती और ऐसे में पहली बार में अच्छा स्कोर बनाने के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्वक काम होता है। तो ऐसे युवाओं का कहना है कि हर साल पात्रता परीक्षा का आयोजन करवाया जाए ताकि उन्हें मदद मिल सके। तो दोस्तों, राजस्थान में जल्द ही अगस्त के लास्ट तक आपके जो है रीट भर्ती 2019 का जो नोटिफिकेशन है वह आपके जारी हो सकता है, क्योंकि रीट भर्ती की अब मांग जो है वह आपके जोरों से उठने लगी है और ऐसे में सरकार पर दबाव है कि वह जल्द से जल्द इसका जो नोटिफिकेशन है वह आपके जारी करवाए और लगभग सितंबर माह में आपसे इसके जो ऑनलाइन आवेदन है वो आपसे भरवा लिए जाएंगे। और इस बार आपके जो संभावना है वह रीट भर्ती न होकर आरटेट भर्ती 2019 की ही है। तो दोस्तों, जल्दी हम नई अपडेट आपके लिए लेकर आएंगे, तब तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।